डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ से हर सब्जेक्ट में बहुत माशाल्लाह पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बट अगर आपको उसी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम विथ यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, और आप लोग पूछते भी हो। और मुझे यकीन मानो, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों का एटलीस्ट इतना तो भरोसा है मेरे ऊपर कि उनको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं उनके सवाल का जवाब दे सकूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मैं जो जवाब देती हूँ उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी होता होगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे हमारे चौथे चैप्टर की, व्यवस्था तंत्र की। व्यवस्था तंत्र में हमने उसकी तारीफ देखी, उसकी खसूसियात देखी, उसकी 5 किस्में देखी, जिसमें मैंने आपको 2 IMP क्वेश्चंस भी बताए थे। कौन से बताए थे फिर से याद दिला देती हूँ। एक मैंने कहा था रैखिक व्यवस्था तंत्र, और एक मैंने कहा था गैर रसमय व्यवस्था तंत्र। फिर हमने इससे पहले जो हमारा पीरियड हुआ उसमें बात की विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की। इन 3 चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ भी लिया होगा और आपकी नोट वगैरह भी कंप्लीट होंगे। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द अब नोट चेकिंग के लिए स्कूल में बुलाएंगे। इसके बाद आज हम देखेंगे सत्ता सौंपणी ना मूल तत्व। सत्ता सौंपणी यानी क्या? लुईस एलन ने सत्ता सौंपणी की तारीफ बयान करते हुए क्या कहा कि सत्ता सौंपणी एटले कार्यनी बीजाने सौंपणी करवी अने ते कार्य करवा माटेनी सत्ता आपवी। कि सबसे पहले तो हुकूमत को तकसीम कर देना और काम को करने के लिए उसको हुकूमत देना कि भाई अब तुझे अपना काम किस तरीके से निकलवाना है, ये तू जान कि तू अपना काम कैसे निकलवाएगा। अब हमें एक चीज़ लेकिन इसमें ध्यान रखनी है कि काम के अमल के लिए अधिकारी जवाबदार हैं, ऑफिसर्स जवाबदार हैं, लेकिन जो काम का रिजल्ट आएगा, उसके नतीजे आएंगे, उसके लिए तो जो उच्च अधिकारियों है वही जवाबदार रहेंगे। यानी आप सत्ता सौंपनी कर कर हुकूमत को तकसीम कर कर अपनी जवाबदारी से नहीं छटक सकते। लुईस एलन ने सत्ता सौंपनी की बात क्यों की, हुकूमत को तकसीम करने की बात क्यों की, उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत में हम उसका सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कार्यक्षम संचालन। के हुकूमत को तकसीम करने की वजह से जो आला सतह में काम करने वाले अधिकारी हैं उनके काम के बोझ में क्या आता है, कमी होती है, जिसकी वजह से वो जो काम करते हैं वो कैसा होता है, बहुत अच्छा होगा, उनके काम करने की कैपेबिलिटी भी अच्छे से बढ़ेंगे। उसके बाद कर्मचारी विकास, के जो कर्मचारी हैं उसके आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, उसकी जो निर्णय शक्ति यानी जो फैसला लेने की कुव्वत है उसमें इजाफा होगा, वो खुश होगा कि मेरे आला अधिकारियों ने, मेरे आला ऑफिसर्स ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मुझे हुकूमत भी तकसीम कर दी। इसके बाद आएगा तीसरा, अभिप्रेरण, जिसको हम कहेंगे हमारे सादे लफ्ज़ों में हौसला अफजाई। कि अगर आपके किसी मुलाजिम ने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको वक्त वक्त पे उसकी हौसला अफजाई करनी है। कि उसकी हौसला अफजाई करनी है क्योंकि उसकी हौसला अफजाई से वो और ज़्यादा काम करने के लिए रागिब होगा, उसका मन कहेगा कि वो और ज़्यादा काम करे, और अच्छा काम कर कर उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा और आपको भी। इसके बाद आता है विशिष्टीकरण, नो लाभ, यानी हर एक में जो खासियत है उसका फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके थे कि जैसे अगर कोई विचार विभाग में बहुत अच्छा है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में रखो, अगर कोई उत्पादन विभाग यानी पैदावारी विभाग में बहुत अच्छा है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में रखो। उसके बाद संकलन, कि आपस में सब काम करेंगे तो एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे तो इनके बीच में ताल्लुकात बरकरार रहेंगे तो इनके बीच में जो मतभेद होते हैं वो नहीं होंगे। इसके बाद लास्ट अहमियत है विस्तरणी तक, यानि जो हमारी कारोबारी इकाई है इसको बड़ा करने का, इसका कद बढ़ाने का हमको मौका मिलता है। किससे मौका मिलता है? सत्ता सौंपने की वजह से। अब लुईस एलन ने इसके तत्व बताए, एलिमेंट्स बताए, 3 बताए। कौन कौन से 3 बताए? उन्होंने कहा जवाबदारी नहीं सौंपनी, फिर उन्होंने कहा सत्ता नहीं सौंपनी,
फिर उन्होंने कहा उत्तरदायित्व नु सर्जन। देखो जवाबदारी ने सौंपड़ी, इसका उर्दू आप लोग लिख लो, यानी जिम्मेदारी को तकसीम करना। सत्ता ने सौंपड़ी यानी हुकूमत तकसीम करना। और उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व कभी तकसीम नहीं किया जाता, वो आपको खुद आपके अंदर बनाना पड़ेगा। उत्तरदायित्व यानी आपके अंदर एक सिंसियरनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एक कहते ना मैच्योरिटी होना चाहिए कि ये जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई थी तो मैंने जिम्मेदार इस जिम्मेदारी को कितना निभाया, कैसे निभाया, इसके नतीजे क्या आए, मेरी कंपनी को, मेरी कारोबारी इकाई को इसके पॉजिटिव फ़ायदे मिले या नहीं मिले। खैर अब हम बात करेंगे जवाबदारी नहीं वेचनी है, जवाबदारी नहीं सौंपने। ये हमारा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, सत्ता सौंपने ना मुड़ता, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जवाबदारी नहीं वेचनी है, जवाबदारी नहीं सौंपनी। जवाबदारी जो हमारे ऊपरी अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपरी ऑफिसर से उनके जरिए तकसीम की जाती हैं। किसी एक मुकर्रर काम को पूरा करने के लिए आप जिम्मेदारी को तकसीम करते हो। अब आपको क्या करना है, आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है आपको उसको अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा करना है। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ अपने ऊपरी अधिकारी को जवाब देने के लिए बंधे हुए हो, लेकिन जो अपना ऊपरी अधिकारी है उसको तो मैनेजर को भी जवाब देना है और कारोबार के मालिक को भी जवाब देना है। मगर इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप जिम्मेदारी की तादाद में हुकूमत ज़्यादा दे दो तो वो हुकूमत का गैर इस्तेमाल करेगा और जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। और इससे बिल्कुल उल्टा कि अगर आप उसको कम हुकूमत दो और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दे दो तो उसको ऐसा होगा कि मुझे सिर्फ काम ही काम देते हो, हुकूमत तो देते ही नहीं हो, है ना, तो भी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा मैनेजर कौन होगा? एक अच्छा मैनेजर वो होगा जो अधिकारियों के बीच में हुकूमत और ज़िम्मेदारी को यकसा तौर पर तकसीम करें। इसके बाद आता है सत्ता ने सौंपने यानी हुकूमत को तकसीम करना, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। सत्ता हुकूमत क्या है? एक हक है, अधिकार है। कैसा हक है? जिसके ज़रिए आप दीगर अफराद के पास से अपना काम निकलवा सकते हो। लेकिन उनसे काम निकलवाने के लिए आपको उनको थोड़ी बहुत हुकूमत यानी सत्ता भी देनी होगी। ये सत्ता कैसे दी जाती है? ये सत्ता, ये हुकूमत आला सतह से नीचे की तरफ दी जाती है। कैसी होती है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि ये सत्ता कैसी होती है, हुकूमत कैसी होंगी, ये इनको क्या क्या अथॉरिटी दी जाती है। इसमें निर्णय लेवानी यानी ये चाहे तो छोटे मोटे फैसले ले सकते हैं अपने विभाग से रिलेटेड, अपनी जमात से रिलेटेड। और हुक्म करवानी यानी अपने डिपार्टमेंट में अगर कोई अधिकारी है उसके नीचे जो कामदार है, जो लेबर से, उनको हुक्म करने की हुकूमत भी इसको दी जाती है। इसके बाद इनको और कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ हक दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको अपने विभाग के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए अगर कुछ खर्च करना हो तो वो कैसे खर्च करेगा, ये हुकूमत उसको दी जाती है कि भाई अब ये तुझ पर डिपेंड करता है कि तू कैसे खर्च करेगा। फिर कर्मचारियों ने नियमनुक नहीं सकता कि अगर वो चाहे तो कामदार को पसंद कर सकते, उनको ये हुकूमत दी जाती है कि भाई अगर आप चाहो तो कामदारों को पसंद कर सकते हो। फिर शिक्षात्मक पगला लेवाने सत्ता कि अगर आपने किसी को बार बार किसी काम के लिए मना किया है या आपने बार बार किसी को कोई काम समझाया है लेकिन फिर भी वो आपके कहने के मुताबिक उस काम को नहीं कर रहे हैं तो आप चाहो तो दरमियानी सतह वालों को इतनी हुकूमत दी जाती है कि वो चाहे तो शिक्षात्मक पगला यानी उनको सज़ा भी दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा उत्तरदायित्व नु सर्जन, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होगा कि ताबेदारों के ज़रिए यानी जो आपके पास काम कर रहे, जो आपसे नीचे के शोबे में है, आपके नीचे की सतह पर हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसका जवाब आपको देना है अपने ऊपरी अधिकारी को, क्योंकि आप तो दरमियानी सतह में काम करते हो ना। तो ये क्या हुआ? उत्तरदायित्व। क्योंकि आपको किसको जवाब देना है? आला अधिकारियों को, आला सतह के अधिकारियों को। किसका जवाब देना है? जो नीची सतह में काम हुआ उसका देना है, क्योंकि आपको तो सत्ता यानी जवाबदारी, क्योंकि आपको तो हुकूमत और जिम्मेदारी
दोनों दी गई थी। तब उस हुकूमत और ज़िम्मेदारी का रिज़ल्ट क्या आया है, ये आपको हमारी जो सबसे उच्च सतह, जो आला सतह है, उनके ऑफिसर्स को इसका जवाब देना होता है। अब अगर दरमियानी सतह वालों से कोई भूल हो जाती है या नीची सतह वालों से कोई भूल हो जाती है, तो मैनेजर को जवाब देने के लिए या फिर कारोबारी मालिक को जवाब देने के लिए कौन बंधा हुआ है? मैनेजर बंधा हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने ही आपको जवाबदारी और हुकूमत दी थी। तो उस हुकूमत और जिम्मेदारी से, उस जवाबदारी में अगर कोई भी आगे पीछे काम होता है, तो उस बात का जवाब इन लोगों को ही देना होगा। मिसाल के तौर पे, अगर हिसाबी अधिकारी को आपने हिसाब लिखने का काम दिया था, बराबर, ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अकाउंटेंट को। मगर ये हिसाब सही है या नहीं, ये चेक करना, उसमें कोई भूल तो नहीं है, उस भूल को सुधारना, ये सब चेक करने का काम किसका है? जो जनरल मैनेजर है उसका है। क्योंकि जो कारोबारी मालिक है वो अकाउंटेंट तक जवाब मांगने के लिए नहीं आएगा, वो दरमियानी सतह तक जवाब मांगने के लिए नहीं आएगा, वो तो किससे जवाब मांगेगा? हमारे आला सतह के अधिकारियों से, आला सतह के ऑफिसर्स से। और आला सतह के ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन सी सतह में कैसा काम हुआ है, कितना काम हुआ है, उन सबका जवाब कारोबारी इकाई के मालिक को दे। आज हमारा चौथा चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम मंडे के दिन हमारे पांचवें सबक की बात करेंगे, जिसका नाम है कर्मचारी व्यवस्था।